दोस्तों स्वागत है, लोगों का सभी का स्वागत है। आज हम अंकल ऐप काम कर रहे हैं। हम अंकल ऐप में हमने आईडी लॉगिन कर चुके हैं, हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, 700 रुपये का ऑर्डर है। हम अर्जुन नगर जा रहे हैं लेके इसको, गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है। गाड़ी हम अर्जुन नगर जा रहे हैं, दो लोग वहाँ पहुँच गए। हम रास्ते का आपको नज़ारा दिखाएंगे, कैसे करना नज़ारा है, और आपको दिखाएंगे हम कितना काम करते हैं। कल तो हमारे बिल्कुल काम नहीं हुआ था, एक भी रैंड नहीं बजी थी हमारी कल। आज हम रेट दिखाएंगे आपको, कितने ऑर्डर करते हैं, कितना काम करते हैं हम, और वीडियो बने रहे। आया बॉर्डर खुल गया, हम हरियाणा जा रहे हैं। आज देखते हैं बॉर्डर खुले नहीं खुले, लोग बोल तो रहे हैं कि बॉर्डर खुल गए, अब देखते हैं हम बॉर्डर खुले होंगे तो। अरे ज्यादा वहां को ज्यादा नहीं है, हरियाणा पार करते हैं अर्जुन नगर, हम अंदर को जाएंगे गुड़गांव के अंदर, ज्यादा अंदर नहीं जाना। ये हमारी गाड़ी खाली हो रही है, किचन का सामान लेके आए हम, अब देखते हैं कितने देर में हमारे पास ऑर्डर आएगा। हमारी गाड़ी खाली होती है, हम जाएंगे यहाँ से, देखते कितने बजे ऑर्डर आएंगे हमारे पास, खाली जाएंगे या सामान लेके जाते हैं, आपको बताएंगे हम जैसा भी होगा। जब तक चलिए हमारी गाड़ी खाली हो रही है, जब तक आप विजय का मजा लीजिए। दिया है, अब हम दिल्ली के लिए देख रहे हैं कोई ऑर्डर मिल जाए वापसी में। हम वापसी के लिए ऑर्डर देख रहे हैं, कुछ देर वेट करते हैं हम, अगर मिल गया तो सही है, नहीं तो हम जाएंगे खाली। कंपनी के अंदर सबसे बड़ी ये कमी यह है कि ये टोल का पैसा ऐड करके नहीं देती है, प्लस ये पोर्टर से तो कॉम्पिटिशन कर रही है, पोर्टर वाला पैसा सही देता है लेकिन ये पोर्टर से पैसे कम देते हैं। पर ये तो करे एक चीज़ कि टोल का पैसा ऐड करके दे तो बंदा इससे बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए इस कंपनी के अंदर राइडर बहुत कम है, गाड़ियाँ बहुत कम लग रही है इसके अंदर, क्योंकि पैसा बहुत कम देती है, टोल का भी पैसा ऐड नहीं होता इसके अंदर। मान लो बंदा क्या कमाएगा क्या खाएगा इसमें। अब 700 रुपये का ऑर्डर लेकर आया था, 700 में इनके 100 रुपये तो कमीशन कट गई, ठीक है 100 रुपये कमीशन कट गई। कमीशन कटने के बाद बचे 600 का 100 रुपये का टोल लग गया, बचे 500 में 150 की CNG मान लो, 150-200 की CNG मान लो, 400 रुपये हाथ में आएंगे। 400 रुपये के लिए क्या बंदा यहाँ पर दिल्ली से गुड़गांव क्या करने आएगा। मेरी अपील है कंपनी से, अगर मेरी कंपनी वाले वीडियो में ही देंगे तो इसके अंदर टोल का पैसा ऐड करके दिया करें। इसलिए जब ही राइडर आपके कंपनी में लगेंगे, और नहीं तो राइडर बहुत बहुत कंपनी है उसके लिए, फिर बैठ के इंतजार करते हैं ऑर्डर का, कोई ऑर्डर मिल जाए तो दिल्ली के लिए वापसी के लिए, नहीं तो हम जाएंगे दिल्ली के लिए वापसी, खाली जाना पड़ेगा। बताओ 400 रुपये में गुड़गांव आना, 400 में वापसी जाना, वहीं से ही कोई फ़ायदा नहीं है इसमें तो। इस कंपनी में तो बंदा इसलिए काम कर रहा है कि कोई काम वाम नहीं है। बाकी कंपनियों में पोर्टर के अंदर 3-व्हीलर बंद कर दी है, यह CNG वाली इलेक्ट्रिकल चालू हुई है,
अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी चालू रहे और सीएनजी वाली चालू रहे ना तो बढ़िया रहेगा, इसलिए बंदा इसी के अंदर काम करना चाहता है, इसलिए कर रहा है इसके अंदर बंदा काम, नहीं तो इसके अंदर काम ना करे, क्योंकि इसके अंदर पैसे भी कम है और फिर टोल का पैसा भी एड नहीं होता, इसमें कुछ बचता नहीं है। दोस्तों हम अपने घर के पास आ चुके हैं, गुड़गावा से आ गए, हमने एक ही ऑर्डर करा था आज, ज़्यादा काम किया नहीं आज हमने, और अब हम अपने घर के पास जाने वाले हैं। 5-6 किलोमीटर रह गया हमारा घर, नो एंट्री हो गई है, नो एंट्री बैठे हुए अब 8 बजे नो एंट्री खुलेगी। आज हमने 700 रुपये काम किया है, ज़्यादा काम किया नहीं है हमने, खर्चा वर्चा लगा टा के हमारे 400 बचे हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।